शुक्रवार को बीजेपी ने कमलनाथ सरकार के खिलाफ प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन किया। भाजपा का यह प्रदर्शन सरकार द्वारा माफियाओं के खिलाफ की जा रही भेदभावपूर्ण कार्यवाही को लेकर किया गया। वहीं दूसरी ओर कमलनाथ सरकार में मंत्री पीसी शर्मा ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर भाजपा पर पलटवार किया। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि भाजपा के 15 सालों के कार्यकाल में प्रदेश में माफिया राज बड़ा था, जिस पर कार्यवाही की जा रही है। कमलनाथ सरकार द्वारा प्रदेश भर में की जा रही माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। भाजपा द्वारा कांग्रेस सरकार पर लगातार भेदभाव पूर्वक कार्यवाही करने का आरोप लगाया जा रहा है, जिसे लेकर बीजेपी ने शुक्रवार को प्रदेश भर में कलेक्टर कार्यालयों का घेराव कर कांग्रेस सरकार को घेरा। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस सरकार माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही की आड़ में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर कार्यवाही कर रही है। वहीं भाजपा के इस आरोप को लेकर कमलनाथ सरकार में जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता आयोजित कर भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। मंत्री शर्मा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 15 सालों की बीजेपी के राज में पूरे प्रदेश में माफिया राज पनपा था, जिस पर कमलनाथ सरकार द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। इस दौरान मंत्री शर्मा ने बताया कि सरकार 11 प्रकार की माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही कर रही है। मध्य प्रदेश में माफिया मुक्ति का शंखनाद, ये कमलनाथ जी ने कहा है। और ये जो फिल्म प्रदर्शित की गई है, इसमें ये पूरी बात दर्शाई गई है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश कला और संस्कृति के लिए विख्यात था, पूरी देश और दुनिया में बड़े बड़े कलाकार हुए, लेकिन पिछले 15 सालों में ये माफिया राज आया यहाँ पर, और उस माफिया राज को ख़त्म करने के लिए मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने जो कदम उठाए हैं, वो कदम आप सबको मालूम है। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जैसा इसमें भी फिल्म में भी बताया है, 11 प्रकार के माफिया पिछले 15 सालों में पनपे, और जिन्होंने पूरे मध्य प्रदेश को जकड़ लिया। जैसा आपने अभी देखा फिल्म में, ड्रग माफिया, भू माफिया, वसूली फिरौती माफिया, वसूली और फिरौती माफिया, शराब माफिया, मिलावट माफिया, चिटफंड माफिया, अवैध कॉलोनी माफिया, ब्लैकमेल माफिया, माइनिंग माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया और सहकारी माफिया, जिनके खिलाफ समूचे प्रदेश में व्यापक रूप से कार्रवाई की गई। अगर हम देखें, जिसकी शुरुआत जीतू सोनी के जो अवैध काम थे, और अवैध काम में भूमिया भू माफिया के रूप में पत्रकारिता को भी उन्होंने संसाध किया, जिस तरह से महिलाओं का को जिस तरह से उन्होंने अपमानित किया, जो कुछ भी वहाँ हुआ फिल्में भी हमने देखा है। ये सब ये 15 सालों की देन थी। और अगर हम बात करें रेत माफिया की, तो आप एक एग्जाम्पल देखिए कि 243 करोड़ का पूरा मध्य प्रदेश का रेवेन्यू आता था रेत का, 243 करोड़ जो पहले आता था, और जो अभी जो ऑक्शंस हुए हैं वो लगभग 1300 करोड़, लगभग 1300, इतना फर्क आया है। ये फिगर्स आपको दे दिए जाएंगे, और जितना पूरे मध्य प्रदेश का रेवेन्यू आता था उतना अकेले होशंगाबाद में रेत माफिया पे फाइन हुआ है उतना। तो ये अंदाज लगी कि कैसे चलता था, मतलब फ्री चले जा रहे हैं, बस जिस ट्रक पे लिखा हुआ है चौहान
फ्री में जाएगा, कोई रोक कोई टोक नहीं, कोई गाड़ी में नंबर नहीं, ये इस तरह का रेत माफिया बन पाए। ये इस पूरे मामले में हम देखें 615 भू माफियाओं पर कार्रवाई हुई, 694 शराब माफिया पर, 150 मिलावट माफिया पर, 65 सहकारी माफिया पर, 149 वसूली माफिया तथा ट्रांसपोर्ट माफियाओं के 1053 वाहनों पर कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई की गई है, ये ब्लैक एंड वाइट में है। दूसरा, मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत की शुद्ध के लिए युद्ध। मध्य प्रदेश में जो मिलावटी चीज़ें बिक रही थी, उस मिलावट पे पूरा उन्होंने हमला किया। और हमने तो नारा दे दिया कि सिलावट दूर करेंगे मिलावट, जो हमारे मंत्री हैं स्वास्थ्य विभाग के, और की उन्होंने रैली भोपाल में, उन्होंने की इंदौर में और जगह पर, और जनसमूह सैलाब आया उस शुद्ध के लिए युद्ध के लिए। ये नए तरह के अभियान आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किए, और इसीलिए वो जो एक बात करते हैं विश्वास जब तक सरकार पर नहीं होगा, जब तक मुख्यमंत्री पर नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट भी नहीं आते, उद्योग भी नहीं आते। आज वो सब चीज़ें उन्होंने कर दी है, दाउस जाके बता दिया है किस तरह से आज उद्योगपति आकर्षित हो रहे हैं। गौरतलब है कि शुक्रवार को ही बीजेपी ने सरकार की माफियाओं के खिलाफ की जा रही भेदभावपूर्ण कार्यवाही को लेकर कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया था। दबंग न्यूज़, ब्यूरो रिपोर्ट, भोपाल।